अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 1 लाख रुपए की चोरी। सीतापुर महमूदाबाद सीतापुर सदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 1 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। घटना की सूचना पीड़ित द्वारा तहरीर देकर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदरपुर थाना क्षेत्र के मासमसेपुर गांव निवासी दिनेश कश्यप पुत्र बच्चूलाल के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने यहां से 7,000 की नकदी, 1 जोड़ी सोने के बाला, 1 नथुनी, 3 ठप्पा वाला माला, चांदी की 2 जोड़ी पायल, 1 कमर बिछुआ, 4 जोड़ी बिछिया समेत करीब 1 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित को घटना की जानकारी सुबह जागने पर हुई। पीड़ित द्वारा घटना की लिखित तहरीर पुलिस को दे दी है। थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से सुभाष चंद सोनी की खास रिपोर्ट। क्या हुआ था? रात का हम लोग खाना वाना खाए, फिर गाना वाना गाए, फिर सोए किन सब लोग, फिर बहुत देर तक मतलब बातें बातें किन कर सब लोग, फिर लेट गए। फिर उसके बाद सुबह जब सोए उठे तो पता लग चोरी हुई गई। हम लोग मतलब टहल चुका करे लगे, पता लग चोरी हुई गई। और फिर पापा आए बगस थे कि तो बगस ना गायब हुई गई, मगर सारा सामान हमारा गायब है। मतलब जो भी रहा है, मतलब पायल रहा है और माला रहा है, बाला रहा है सोने के, कमरे छुआ रहा है, नथनी रहा है, सब उठाए ले गए। सैंडल रहा है 250 के, वो गुम है गए, लिए चले गए। चूड़ी भी रहा है सब ले गए, कपड़ा एक कौन है ले गए, सब सामान ले गए। 2 जोड़ी पायल रहा है, 1 जोड़ी बिछिया रहा है, दरवाजे लगे हुए नहीं, बाला रहा है, अंगूठी रहा है, एक चांदी कमरे में गए, हम नंगे बच्चे रहा। सुबह जब हम लोग जहाँ पे लड़का भी सो